हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन फूड खजाना में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू पूरी की रेसिपी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्ची कटी हुई, बॉइल्ड आलू को मैश कर लें या फिर कद्दूकस कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमें चाहिए दही, सूजी और एक बड़ी कटोरी आटा की। सबसे पहले हम एक बाउल में सूजी डाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि वो उसमें अच्छे से सोख हो जाए, और इसे हम ढक देंगे और कुछ टाइम के लिए इसको भिगो के रख देंगे। जब हमारी सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है तब हमने इसमें ऐड करने हैं आलू, हरी मिर्ची, हरा धनिया और उसके बाद इसमें आप आटा ऐड कीजिए। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने चिल्ली फ्लेक्स का यूज़ किया, आप चाहे तो हरी लाल मिर्ची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए और फिर हाथों की मदद से इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे एक डो तैयार कर लेंगे आप। और जब आपका डो तैयार हो चुका है, हाथों पे ऑयल लगा के आप इसे रख लेंगे। और उसके बाद अब हम तैयार करते हैं अपनी पूरियां। हमने तेल गरम कर लिया है और अब हम बेलेंगे पूरियां। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ी सी लोई लेके आपने इनको पूरियों को बेल लेना है इस प्रकार। तो हमारी पूरी तैयार हो चुकी है, अब हम इन्हें तल लेंगे। तो आपने इन्हें पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे चलाते रहना है इस तरीके से, सावधानी से, ताकि ये टूटे नहीं। तो आपने इसे सावधानी से फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर ऐसा गोल्डन ब्राउन हो गया है तब आप इसे निकाल लें। तो इस प्रकार आप यहाँ पे पूरियाँ तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी पूरियाँ तैयार हो रही हैं। ये देखिए, फुली फुली सी पूरियाँ, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं और खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट हैं। तो क्रिस्पी फुली फुली आलू पूरी इंजॉय कीजिए टमाटर की चटनी और दही के साथ। तो दही या रायता आप जो चाहें वो ले सकते हैं और इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी आपको लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।